गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्लास ट्वेल्थ के मैथ में अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर में आज एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित है। यह प्रश्न है कि एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत Cx रुपए में Cx बराबर 0.007 x³ - 0.003 x² + 15x + 4000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो यहां पर x वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य यानी टोटल कॉस्ट आपको दिया गया है। यह जो Cx है वह टोटल कॉस्ट को व्यक्त कर रहा है और x वस्तुओं यानी यहां पर इकाइयों से व्यक्त किया गया है। x इकाई यानी x यूनिट यानी हुआ x वस्तु। तो x वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य Cx इस समीकरण के द्वारा आपको प्रदत्त है, दिया गया है। और निकालना है आपको सीमांत लागत। तो सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट, इसको हम MC से व्यक्त कर रहे हैं। तो यह सीमांत लागत क्या होता है? चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट। तो चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, यह टोटल कॉस्ट जो है Cx से व्यक्त है, तो टोटल कॉस्ट को हम यहां पर Cx से लिखे हैं और इसमें जो परिवर्तन है वह किसके सापेक्ष? आउटपुट के सापेक्ष। तो आउटपुट माने कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया गया है। तो यहां पर x इकाई यानी x वस्तुओं का उत्पादन किया गया है। तो x के सापेक्ष आपका यह चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट निकालेंगे, वही आपका सीमांत लागत होगा। तो यहां आपका जो Cx का समीकरण है वह लिखा गया है और x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो आपको पता है कि xq का अवकलन क्या होता है? 3x² होगा x के पावर n वाले फॉर्मूला में। तो ये होगा आपका 3x². तो यहां जो 3 आता है कोफिशिएंट या गुणक, उससे 0.007 का गुणा होगा। तो 3 × 0.007 = 0.021 और x² इसके गुणक में आएगा, यानी x² ये कांस्टेंट राशि अलग हो जाएगा और xq का डिफरेंशिएशन होगा 3x². तो 3 से इसका मल्टीप्लाई हुआ, x² यहां लिखा गया, माइनस x² का होगा 2x। तो यह बाहर होगा कांस्टेंट राशि, तो 2 × 0.003 यानी 0.006 और 2x का 2 मल्टीप्लाई हो गया और x यहां पर है। 15x में 15 बाहर होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 यानी 15 × 1 यानी 15 और 4000 जो कांस्टेंट राशि है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इस प्रकार आपका MC जो है इस समीकरण के द्वारा व्यक्त होगा और इसमें जो x का वैल्यू है वह x क्या है? x वस्तु है या x यूनिट है, x इकाई है। और वह दिया गया है कि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है या दिया गया है। तो x का वैल्यू आप 17 इकाई यानी 17 लेंगे। तो MC जो था इस समीकरण में x का वैल्यू हम 17 रखते हैं। तो यहां 0.021 × 17² माइनस यह जो है इसमें गुणा होगा 17 से प्लस 15। तो 17 का स्क्वायर जो होगा उसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.069 और ये मल्टीप्लाई होके होगा 0.102 और ये था आपका 15। तो 15 और 6.069 को जोड़ेंगे और उसमें ये घटाएंगे राशि तो आपको आएगा 20.967। तो आपको रुपया में है ये, तो ये आपका तीसरा अंक 5 से अधिक है तो इसको आप एक बढ़ा सकते हैं। तो आपको 20.97 रुपया इसका उत्तर होगा। अब इस चैप्टर में अब नए तरह का प्रश्न जो हम लोग को हल करना है वह है वर्धमान और ह्रासमान से संबंधित, और उसको बनाने के लिए जो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, जो आपको जानकारी चाहिए, वह दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहां हम आपको दे रहे हैं। तो बच्चे ये जो जानकारियां हैं वह आप फेयर की कॉपी में सवाल से अलग हर चैप्टर में एक कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यही वह टिप्स है जिसके आधार पर आपका सवाल हल होगा। तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है, आप उन नोट्स को फेयर में जरूर कलेक्ट करेंगे। तो यहां पर मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपका है
कि यदि फलन एफ अंतराल ए बी में संतत तथा अंतराल छोटी ब्रैकेट ए बी में अवकलनीय हो तब पहला पॉइंट है कि ए बी पर एफ वर्धमान है यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो प्रत्येक एक्स सदस्य है ए बी के लिए, तो यह एफ इंक्रीजिंग होगा यानी वर्धमान होगा, लगातार बढ़ता रहेगा। कब यह एफ इंक्रीजिंग होगा? जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो, जीरो से बड़ा इसका मान है, और एफ डैश एक्स का मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब है कि अवकलज निकालना। जो एफ फलन है उसका जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे और डिफरेंशिएशन निकालने पर वह पॉजिटिव राशि आती है तो इसका मतलब है वह वर्धमान फलन है, और यदि एफ डैश एक्स निकालने पर वह निगेटिव आता है इसका मतलब है कि फलन जो है बड़ा ह्रासमान है यानी कि डिक्रीजिंग। अब इसको जब आप फेयर में नोट कर लेंगे तो आप इससे जुड़ा हुआ सवाल आप हल कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर एक प्रश्न लिया है कि सिद्ध कीजिए कि R पर fx बराबर 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, यह आपको प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए पहले आपने fx को नोट किया, और fx को नोट करने के बाद आपको यह वर्धमान या ह्रासमान कैसे पता चलता है? f डैश x निकालना, तो f डैश x आप निकाला, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर होगा, x का 1 3 * 1 इक्वल टू 3 और यह 17 कांस्टेंट राशि है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो आपका f डैश x 3 आता है जो हमेशा 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव राशि है, अर्थात यह यदि पॉजिटिव है तो आपका फलन क्या होगा? वर्धमान होगा। तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज f r पर निरंतर वर्धमान है। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर sin x से प्रदत्त फलन 0 से पाई बाय 2 में निरंतर वर्धमान है, पाई बाय 2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है, और 0 से पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो आप सबसे पहले यहां देखते हैं कि यहां fx बराबर sin x और f डैश x निकालते हैं, तो f डैश x यानी sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और f डैश x का जो चिन्ह होता है पॉजिटिव या निगेटिव उसी से आपका वर्धमान और ह्रासमान फाइनल होता है। तो बच्चों आप लोग सबसे पहले इसका क्वाड्रेंट देखेंगे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और यदि आप लोग नए हैं तो जरूर पीछे के वीडियो में इस क्वाड्रेंट को पुनः समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां आपको शॉर्ट में हम बता रहे हैं कि यहां जो चार क्वाड्रेंट है उस चार क्वाड्रेंट में जो पहला अंतराल है 0 से पाई बाय 2 वह फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, और इसमें सभी त्रिकोणमित्रिक रेशियो जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कॉस टैन या अन्य सभी जो है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है यानी एफ डैश एक्स यानी कॉस एक्स, तो यह इसका जो चिन्ह है वह 0 से पाई बाय 2 में पॉजिटिव है, और यदि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब है कि फलन निरंतर वर्धमान है। अब जो दूसरा अंतराल है पाई बाय 2 से पाई वह इस क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है, और इसमें साइन पॉजिटिव होता है, साइन यानी साइन का उल्टा कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, यानी जो एफ डैश एक्स कॉसेक्स है वह सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो अंतराल पाई बाय 2 से पाई में एफ डैश एक्स निगेटिव है इसलिए फलन निरंतर ह्रासमान है। और तीसरा जो आपका है प्रश्न कि 0 से पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, तो आप इसको पूरा कंसिडरेशन करेंगे, 0 से पाई यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो आप देखते हैं कि अंतराल 0 से पाई में एफ डैश एक्स पहले यानी 0 से पाई बाय 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और फिर पाई बाय 2 से पाई इस अंतराल में यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो आपका पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, यानी आप यह नहीं कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स का कोई एक चिन्ह है, तो इससे पता चलता है कि फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। अब अगला प्रश्न है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर 2x³ - 3x² - 36x + 7 से प्रदत्त फलन एफ ए में है कि निरंतर वर्धमान और बी में कि निरंतर ह्रासमान। इसमें आपको फलन दिया गया है और आपको अंतराल ज्ञात करना है।
कि किस अंतराल में यह फलन निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। बच्चों यह इसका नया तरह का प्रश्न है और इसको ध्यान से समझेंगे, इसमें नई बातें बहुत सारी आ रही है कि एफ एक्स आपको दिया गया है और इस एफ एक्स से आपको सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, जो पहले हम लोग कर चुके हैं उसी प्रक्रिया के द्वारा इसका अवकलन हम करते हैं। तो एक्स क्यू का अवकलन होगा 3x2, 3 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 और x2 हुआ। यहां पर 3 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा x2 का 2x, तो ये आपका हो जाएगा 6x, यहां 36 होगा और x का 1, और यह 7 का अवकलज जो है 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट राशि है। तो जब इस प्रकार आपका एफ डैश एक्स प्राप्त होगा तो हम देखते हैं कि यहां 6 आपका कॉमन निकल जा रहा है, तो 6 कॉमन निकलता है और फिर यह जो बचेगा x2 - x - 6 इसका हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने से इसका आता है x-3 और x+2। तो बच्चे जब आपको अंतराल ज्ञात करना होगा तो आप एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे। क्यों 0 के बराबर करेंगे? ताकि आपको x का वैल्यू निकल जाए। तो जब हम एफ डैश एक्स बराबर 0 करते हैं, यानी इस राशि को 0 के बराबर करते हैं, तो x का क्या मान प्राप्त होता है? एक बार x-3 = 0 तो x = 3, और दूसरा जो है x+2 = 0 तो x का मान आपको -2 प्राप्त होता है। अब आप वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर जैसे दर्शाया जाता है, देखिए इस प्रकार हम संख्या रेखा बनाए हैं और इसमें जो x का वैल्यू आया उस वैल्यू को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो यहां -2 छोटी राशि है तो पहले, और इधर आपका 3 है। दो पॉइंट आपको प्राप्त हुआ है, x के जितने मान आएंगे उसको वास्तविक संख्या रेखा पर हम दर्शाएंगे। अब क्या देखते हैं कि इस प्रकार जो है आपका संख्या रेखा, इसमें आपका जो दाहिना साइड है वह आपका पॉजिटिव इंफिनिटी की को संकेत करता है और यह जो भाग है यह -∞ को संकेत करता है। तो इस प्रकार पूरा संख्या रेखा जो है 3 अंतराल में विभाजित हो रहा है। आप देख रहे हैं एक अंतराल बनता है -∞ से -2, दूसरा अंतराल बनता है -2 से 3, और तीसरा अंतराल बनता है 3 से ∞। तो x के जितने मान आएंगे उससे एक अधिक अंतराल आपको संख्या रेखा पर बनेगा। तो आपको पहले अंतराल ज्ञात करना है, और यह अंतराल क्यों ज्ञात करते हैं? क्योंकि इसका जो एफ डैश एक्स का जो चिन्ह है उन्हीं बिंदुओं पर चेंज करता है, मतलब यहां तक का चिन्ह सेम रहेगा, यहां पर इस बिंदु के बाद चिन्ह बदल जाएगा और फिर इस बिंदु के बाद आपका चिन्ह बदल जाएगा। तो इसलिए आप पहले पॉइंट ज्ञात करते हैं। अब आप पॉइंट आप ज्ञात करके अंतराल 3 भागों को ज्ञात कर लिए। जब अंतराल आपको 3 भाग में मिल जाएगा तब आप इस अंतराल में किसी एक पॉइंट को चेक कीजिएगा, वही पूरा अंतराल का चिन्ह होगा। आप जैसे चावल बनाते हैं तो एक चावल का दाना निकाल के कैसे चेक करते हैं कि चावल जो है आपका पक गया, उसी प्रकार जो अंतराल है आपका -∞ से -2, इसमें किसी एक संख्या में एफ डैश एक्स का चिन्ह हम कैलकुलेट करेंगे और जो उसका चिन्ह आएगा वह पूरे अंतराल का चिन्ह होगा। तो आप यहां पर देखते हैं कि यह -∞ से -2 है, तो -2 से और छोटी राशि क्या होगा? -3 हम एक पॉइंट को ले रहे हैं जो इन दो अंतरालों के बीच का एक पॉइंट है या एक संख्या है। अब इस -3 को हम एफ डैश एक्स में एक्स का मान -3 रखेंगे तो क्या होगा? यहां होगा -3 -3, तो -3 -3 मिलके क्या आएगा आपको? -6 आएगा, यानी यह निगेटिव आया, और यहां पर -3 रखेंगे तो क्या आएगा? -3 या +2, तो -1, तो यह आपको निगेटिव आया और यह भी आपको निगेटिव आया। तो निगेटिव और निगेटिव का गुना होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि एफ डैश एक्स का चिन्ह जो है वह -3 बिंदु पर पॉजिटिव आता है, यानी इस अंतराल में आपका फलन जो है वह पॉजिटिव है। उसी प्रकार आपका जो है एफ डैश एक्स का चिन्ह पॉजिटिव है। अब आप दूसरा अंतराल को देखिए, -2 से 3, इसमें किसी एक संख्या को हम चुनेंगे, कोई भी संख्या चुनी जा सकती है, ध्यान रखेंगे इसके बीच का कोई भी संख्या आप रख सकते हैं।
तो इस बीच में एक भी एक संख्या आती है, तो हमने माना कि एक संख्या को हम रखेंगे, एक रखेंगे तो क्या आएगा, एक में से तीन घटेगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस दो, और फिर यहां एक रखेंगे तो एक प्लस दो यानी क्या हुआ तीन आया, तो आपका यह जो मल्टीप्लाई होगा निगेटिव गुना पॉजिटिव तो क्या आएगा निगेटिव आएगा, तो एफ डैश एक्स का चिन्ह आपका इस अंतराल में क्या हो जाएगा निगेटिव होगा। उसी प्रकार हम चेक करेंगे तीन से इंफिनिटी के बीच में, एक संख्या हम लेते हैं चार ले लिया तो चार रखेंगे तो चार में से तीन घटेगा तो एक पॉजिटिव, चार प्लस दो छह यह भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव गुना पॉजिटिव एफ डैश एक्स का चिन्ह यहां पर क्या आया आपको पॉजिटिव आया। तो इस तरह से पहले हम एफ डैश एक्स का चिन्ह वास्तविक संख्या रेखा पर चेक कर लेंगे। अब हम क्या लिखते हैं कि वास्तविक संख्या रेखा को तीन अंतराल में विभाजित करता है कौन, यह जो x का मान है सो x बराबर 3 और माइनस 2 वास्तविक संख्या रेखा को तीन अंतराल में विभाजित करता है। पहला अंतराल है माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, दूसरा अंतराल है माइनस 2 से 3 और तीसरा अंतराल है आपका 3 से इंफिनिटी। इसमें यहां अंतराल माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 एवं 3 से इंफिनिटी, इसमें एफ डैश एक्स क्या है पॉजिटिव है, इन दोनों अंतराल में हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, अर्थात अंतराल माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन मतलब दोनों में 3 से इंफिनिटी में एफ यानी फलन निरंतर वर्धमान है। अब दूसरा जो एक निगेटिव वाला आया है वो क्या है कि माइनस 2 से 3 अंतराल में एफ डैश एक्स का मान निगेटिव है, यानी कि अंतराल माइनस 2 से 3 में फलन निरंतर ह्रासमान है। तो बच्चों इस प्रकार आप वर्धमान और ह्रासमान वाले सवाल को समझ सकते हैं। वीडियो समझ में न आए तो बार बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए और फिर इससे जुड़े हुए प्रश्न जो और हैं उसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। बच्चे आप देखेंगे कि आपका जो बुक है एनसीईआरटी का उसमें चैप्टर वाइज बहुत सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व यहाँ कर दिया है, जो आपको जितने तरह के टाइप है वह सॉल्व हो चुका है, इसलिए जो बचे हुए सवाल है आप खुद से प्रैक्टिस कर से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।